हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो ध्रुव राठी का नया वीडियो आ चुका है, जो कि उन्होंने एल्विस राधो को रिप्लाई करते हुए पार्ट वन डाला था एंड उसमें मेंशन करा था दैट पार्ट टू जल्द ही आएगा। तो पार्ट टू लेके आ चुके हैं। यहाँ पे वीडियो का टाइटल उन्होंने रखा है माई फाइनल रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स। सो देखते हैं फाइनल रिप्लाई में वो क्या कहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के कॉन्टेंट देखने के लिए। सच्चाई सुनना पसंद हो तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब करो। स्टार्ट करते रिएक्शन को। पकड़ लिया अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी। पकड़ लिया। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथूराम है। पोषम पा भाई पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकेवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विस यादव की गली तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बेटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना लो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल्विस जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? मेरा यही हुआ कि मीम्स बन रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसे एक इंसान पर वीडियो बनाकर। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है, हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विस यादव की पर्सनालिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं, और इसे एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम चालू करते हैं। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी, मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स हैं। पिछले वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एल्विस कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। देख एल्विस, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एल्विस मेरी टीम की बात करता है, कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता धैया से, समझ रहे हो, वो एक मूवी डायरेक्टर है, और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, तो कम से कम थोड़ी ना कहा कि पूरी टीम बस 3 ही लोगों की है। आपकी टीम कितनी बड़ी है? 50-100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 है, 10 आपको ही नहीं पता कि 10 है, 11 है, काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं? क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, लक्ष्य और मानव, तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1, 2, 3, 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले, अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है 1, 2, 3, 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। और सबसे कमाल की बात, बाकी टीम मेंबर्स के जो नाम इसने बताया वो भी गलत है। अच्छा आगे चले तो एल्विस कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए, और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक
कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात की। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा कर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज है। और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा, ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से है। ये एक एस्टेब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ये ऐड क्यों करी आपने। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हुए इस बात को माना तो सही। किन कंपनीज की मैं प्रमोशन करता हूं, किन की नहीं करता, इनको लेकर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है मैं ओपनली आपको बता सकता हूं। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। इन बेटिंग ऐप्स में करोड़ों युवाओं का पैसा और समय बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है उनके मेंटल फ्रेम का डिस्टर्ब हो जाना। दूसरा, कभी भी किसी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की प्रमोशन नहीं करी। तीसरा, किसी भी चाइनीज कंपनी की प्रमोशन नहीं करी। चौथा, किसी भी फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की प्रमोशन नहीं करी जिससे हेल्थ पर हानिकारक इम्पैक्ट पड़ता हो लोगों की। मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं और किसी भी सेंस में, किसी भी एस्पेक्ट में इन करोड़ों में से किसी एक इंसान पर भी मैं बुरा असर नहीं डालना चाहता। बस अपने प्रोपेगेंडा वाली बातों से एक्टर्स और यूट्यूबर्स मेरे से प्रभावित होकर यही सेम स्टैंडर्ड सेट करें ताकि समाज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके। और एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में है जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे और वहां पे जीतेंगे, बढ़िया, ठीक है। एल्विश जिन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है, एग्जैक्टली इन्हीं कंपनीज से मुझे भी ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के, 20-20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए हैं, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। इसी चीज को मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है, जिसको DW के बारे में नहीं पता तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं और जैसे सारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की स्टोरी। अगर दूसरी साइड देखेगा नहीं तो दिखेगी भी नहीं ना। इसने एक वीडियो का थंबनेल लगाकर ये दिखा दिया कि ये तो सिर्फ मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। ऐसी दो थंबनेल लगाकर मैं भी कह सकता हूँ ये देखो DW ने तो सिर्फ मोदी के फेवर में ही वीडियोस बनाए हैं। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा कि DW के लिए काम करता है। एक बार फिर से, अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया, इनका नाम इरफान मेहरा नहीं इरफान मेहराज है, एक जे आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। ये पता किस किस के लिए काम करता है? ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए, द अरब के लिए। पूरी दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता, शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं, जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। इंडिया के खिलाफ अंडा फैलाने के लिए किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। हाय राम, एक बार फिर से ये अनपढ़ एल्विश पढ़ नहीं पाया। मुझे तो डाउट होता है कि इसने स्कूल से पास आउट भी किया या नहीं किया, क्योंकि इसके आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा जो इसने पीछे दिखा रखा है कि ISI ने साथ में मिलकर टर्की के TRT वर्ल्ड शुरू किया है। आर्टिकल में लिखा है टर्की इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI साथ में मिलकर एक प्रोपेगेंडा टीम शुरू कर रहे हैं TRT वर्ल्ड के थ्रू, ये नहीं कि TRT वर्ल्ड ही शुरू कर रहे हैं। अब वो अलग बात है दोस्तों कि आर्टिकल भी फर्जी है, क्योंकि ये फर्जी न्यूज वेबसाइट ने लिखा है, इन्हीं की गोदी वेबसाइट ने, लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा। एंटीडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं एल्विश, प्रोपेगेंडा होता है। है नहीं, हाँ। NIA ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था क्योंकि इसके तार आतंकवादी, ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। ये जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अलकायदा पलकायदा, यार तू कुछ भी बकवास किए जा रहा है जो तेरे मन में आ रहा है। नहीं, इरफान मेहराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था।
इनफैक्ट इरफान महराज का जो अरेस्ट किया है एनआईए ने, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा। इन्हें यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया है, एक ऐसा अरेस्ट जिसका कन्विक्शन आज तक साबित नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए, ये एक गलत अरेस्ट है। वैसे अरेस्ट से याद आया एल्विश, तू भी कुछ महीने पहले रो रहा था कि तेरा अरेस्ट हो गया, मीडिया वाले तेरे खिलाफ गलत खबरें चला रहे हैं, और तू खुद यही काम कर रहा है आज यहाँ पर। मैं नहीं जानता कि तेरा ये जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस निकला और फिर भी पुलिस वालों ने तुझे अरेस्ट कर लिया, तो फिर मत रोइयो, क्योंकि तेरे को बचाने कोई ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं आएगा। गोदी मीडिया भी तेरे फेवर में खबरें नहीं चलाता है। वैसे मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई, इसलिए कहावत सुनिए ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करें। प्रॉब्लम ये है कि तू दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता, तुझे बस दूसरों को रोस्ट करना, एंटी नेशनल घोषित करना आता है, और जब यही चीज तेरे साथ होने लग जाए तो तू रोना शुरू कर देता है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये इस सब से मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि इरफान महराज DW के लिए आर्टिकल्स लिखता था और मैं DW के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, ये है हमारा कनेक्शन। बताओ क्या लॉजिक है ये? तू बिग बॉस में गया था, डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी, तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए। ठीक है, फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। देखो वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है, ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से लिखनी नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं, डबल ई करके लिखता हूँ। 21 दिसंबर 2014 अच्छा। को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया, 5 साल केजरीवाल। गलत। एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊंगा, वो भी आज से 10 साल पहले। इस गाने को जरा सर्च करके देख ले, यूट्यूब पर डाल। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। असलियत में मैंने इस गाने का सिर्फ एक री एडिट बनाया था आउट ऑफ पैशन। इस चीज पर बात मैंने स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाले वीडियो में भी करी थी, कैसे 2011-12 में एक ऐसा समय था जब यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से इंजाम लगे थे। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ, जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने पार्टिसिपेट किया, और इसी आंदोलन की वजह से मेरा इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद दिखी, और इसी रीजन से फरवरी 2015 की इलेक्शन में उन्हें 70 में से 67 सीट्स मिली। उस समय उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का चंदा नहीं था, आम लोग ही उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था, तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। मैं उस समय एक स्टूडेंट था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जर्मनी में, तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और एक दो गानों की एडिटिंग करी। लेकिन नोट करने वाली बात ये कि ना तो किसी ने मुझे कहा ये करने को, ना किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए, और ना मैं कभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली पार्टी का मेंबर था। जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया, अपने पैशन के बल पर किया। 2017-18 तक भी आपको मेरी फेसबुक पोस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं, ताकि उन्हें फुटेज मिल सके, भारत की राजनीति में एक नई पार्टी सर्वाइव कर सके। अगर कल को किसी दूसरी स्टेट में फिर से कोई नई पार्टी खड़ी हुई जिसको लेकर मुझे लगा कि ये ईमानदार है और इसके पॉलिटिक्स में आने से देश की राजनीति पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिर से मैं ओपनली अपना सपोर्ट जताऊंगा। लेकिन इस सब से मेरा कोई पर्सनल फायदा होगा या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने जब यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है, ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। अब एल्विश तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूँ, वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे, तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं? मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। Thank you, अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say, father of the country is an analogy like a father. तो स्वाति मालवाल के बारे में वीडियो क्यों डाली थी? दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हू?
मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। 5 तारीख में ले जा रही है, इसलिए वोट देना उन्हें जो एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाए, जो आपके घर के बच्चों को बढ़िया शिक्षा दिला सके और जो सरकारी स्कूलों को बेहतर बना सके। अनपढ़ और नफरत पूर्ण लोगों की पार्टी को भूल कर भी मत वोट दे देना, क्योंकि ये देश के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन इतने सालों में दोस्तों, क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विस तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विस के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी इसे कोई पैसे नहीं देती। आगे ये कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है, बोलने को मैं भी बोल दूं, तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है। लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना, ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है और बाकी 20% में से कम 10% वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। फिर एल्विस कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा, इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है, तू मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कॉम्युनल बन जाता था जरूरत के हिसाब से, यानी कि वो ऑपर्चुनिस्ट था बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी, ये देखिए। ओ सॉरी, गलत वीडियो चल गया, ये देखिए। तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है, पहली बॉल था आउट हो के आ जाएंगे, टॉस अभी नहीं हुआ, बट वैसे पूछा गया था कि आप करते क्या उसमें। ओहो, फिर से गलत वीडियो चल गया यार, एडिटर आम चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। तो अपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ है। एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विस तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विस कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विस कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उससे 1 घंटे बात कर लेना, नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विस को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी, तो एल्विस ने किया क्या, उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था, यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कॉम्युनल बन गया, और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कॉम्युनल होकर फायदा मिले वहां कॉम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर, बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी, यानी कि सच बात तो यह है कि तेरी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तू जो भी करता है सिर्फ पैसे और फेम के लिए करता है। अभी से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है एल्विस और मुनव्वर को जो कैप्टन है वर्सेस करके चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जितना सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे प्यार इतना है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं बोलूं पॉजिटिविटी फैलाओ। फिर एल्विस ने कहा कि पीएम मोदी के बारे में मैंने डिक्टेटर वाली वीडियो क्यों बनाई, ये देखो प्रधानमंत्री मोदी तो मीम शेयर कर रहे हैं। मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है, तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। अच्छा, ये तो वही ये बात हो गई कि आपको कोई कहे कि शराब पीने से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, लिवर खराब हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहो कि भाई शराब इतनी भी हानिकारक नहीं है क्योंकि देखो शराब पीने से फीवर नहीं होता। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कोई सेंस बना इस बात का? जो मैंने 10 एग्जांपल्स गिनवाए देश में बढ़ रही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के, उनका क्या? जब मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स चिपकाने पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन किया जाता है, तब जवाब में क्या आता है कि ये देखो पीएम मोदी ने मीम शेयर कर दिया। और वैसे इस मीम में था भी क्या, प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून स्टेज पर डांस कर रहा था, इसमें कुछ अरेस्ट करवाने जैसा था क्या? इसे एक मीम को शेयर करने पर कोई अगर नरेंद्र मोदी को महान मानने लगे तो उस इंसान की चाटुकारिता का जो लेवल है ना वो अलग ही होगा। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, क्योंकि बस गूगल करके देख लो कितनी बार लोगों को अरेस्ट किया गया है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए, इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन एल्विस के हिसाब से ये सब ठीक है और असली डिक्टेटर तो ध्रुव राठी है, मजाक नहीं कर रहा है, ये मुझे डिक्टेटर घोषित करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ गालीबाज बदतमीज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन होता है, डिक्टेटर होते हो भाई तुम।
अगर किसी का अलग ओपिनियन है तो वो जरूर दे, लेकिन बदतमीजी एक ओपिनियन नहीं होता। जिन ट्रोल्स के स्क्रीनशॉट एल्विश ने शेयर किए उन स्क्रीनशॉट्स में भी आप उनकी भद्दी भाषा का सैंपल देख सकते हैं। मैंने उनका ट्विटर अकाउंट गायब नहीं कर दिया ट्विटर से, मैंने उनको ब्लॉक किया सिर्फ मुझे फॉलो करने से। इसका ऑफलाइन वर्जन होगा कि कोई आपसे रियल लाइफ में बदतमीजी से बात करता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। इस बेवकूफ एल्विश के हिसाब से ये डिक्टेटरशिप है मेरी। यूट्यूबर रमित वर्मा ANI और इसकी एडिटर स्मिता प्रकाश के ऊपर एक एक्सपोजिव वीडियो बनाते हैं तो स्मिता प्रकाश का ANI 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है और रमित का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पिंग ह्यूमन मुश्किल से बच पाता है। ये होता है असली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का दबाया जाना। एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते, ये चीज तो पता ही नहीं थी मुझे। कभी सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो --। एक समय पर एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने कहा था ध्रुव राठी जिन मीडिया आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स दिखाता है उनको फांसी दे देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता ने इस वीडियो को खुलकर सपोर्ट भी दिया था, लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ओके है। और अगर अपनी प्रोफाइल पर आप दोस्तों कुछ गालीबाज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। लोग मेरे को बोलते हैं बीजेपी के अंदर धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इसकी खुद की मानसिकता भी उसी टाइप की है। जरा इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है? एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है, जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है। ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था, इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था। वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। फिल्म के आखिर में जब ये रिवील होता है तो इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर प्रताप को ड्यूटी से रिलीव कर देती है, केस चलाने का ऑर्डर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो बेसिकली ये फिल्म हमारी इंडियन आर्मी के ऑनर और प्रिंसिपल्स को दिखाती है कि जो भी ऑफिसर आर्मी के प्रिंसिपल्स पर कलंक लगाता है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि 2018 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए, बीजेपी नेता और उस समय के असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जनरल कोर्ट मार्शल वर्डिक्ट को वेलकम किया जिसमें कि एक मेजर जनरल सहित 7 आर्मी पर्सनल्स को 1994 फेक एनकाउंटर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जुडिशरी और आर्मी में विश्वास मजबूत होगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इसराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ जिसमें 350 इसराइली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहां पर। उसके बाद इसराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इसराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इस मैसेकर पर ग्लोबल आउटरेज देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजरायल को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतार, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने एक स्टेटमेंट जारी करी है और ऑल आईज ऑन रफा वाली ये एक AI इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस पर तो बोल पाते हैं। हमारे देश की सरकार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ राफा के कैंप में सिविलियन लाइफ्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस गहरी चिंता का विषय है। इस सब के चलते खुद इजरायली मिलिट्री ने भी कहा कि नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो लोग लड़ नहीं रहे थे उनको नुकसान पहुंचाने पर हम खेद प्रकट करते हैं। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक ट्रेजिक एक्सीडेंट कहा और इजरायल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करी। लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आईज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आईज ऑन POK। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि POK में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो? ऐसा तो नहीं है कि रफा के उन बच्चों ने POK में अत्याचार किए?
क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरेज की, लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों, तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को, ये बोलकर दिखा दें। सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर, और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की चिंता करते हो। इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए कि एल्विश कभी किसी मुसलमान औरत के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएगा, ये हिंदू औरतों के लिए भी आवाज नहीं उठाएगा अगर इसे अपना बेनिफिट ना दिखे तो। जैसे कि मणिपुर का एग्जांपल लेकर देख लीजिए, इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश यादव को इससे कोई मतलब नहीं। 250 दिन तक कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे रहे, क्या एल्विश ने आवाज उठाई? नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात ये गोदी इकोसिस्टम सिर्फ तभी करता है जब मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व करना हो। याद रखिए दोस्तों, जब नोकाली में दंगे हुए थे, वहाँ हिंदुओं को बचाने के लिए महात्मा गांधी गए थे, गोडसे नहीं गया था। हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें बचाने का काम महात्मा गांधी करते थे, और नफरत फैलाने का काम करता था नाथूराम गोडसे। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें से एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ, और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाटना। सच बात तो यह है कि एल्विश जैसा इंसान जो अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता हो, वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां अपने ही राष्ट्र की अखंडता पर हमला करो, हर रोज नफरत का जहर घोलो समाज में? उपनिषदों में ऐसे लोगों को छोटी सोच का इंसान कहा गया है। ए निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम, यानी यह मेरा वह पराया, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जो G20 की थीम थी वसुदेव कुटुंबकम। अब पूरी दुनिया को परिवार मानो, इस सोच को तो कहां एल्विश समझ पाएगा, लेकिन कम से कम देश को तो मत तोड़ना। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना। आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही, हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ नहीं, क्या करे, इस गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, नहीं है, ये फालतू का अफवाह है, किसी बात का खतरा नहीं है। सिंपल सी बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। इतनी सिंपल सी बात तो समझ ले, अपने यहाँ डाल ले। मैंने तेरे 4 एंटी हिंदू वीडियोस की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहाँ तू चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ये वीडियो अब तूने हटा लिया, जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी थी, गुड बॉय। दूसरा वीडियो था जहाँ तू हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। ओ पंडित, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। वो वीडियो भी अब तूने हटा ली है, फिर से गुड बॉय। लेकिन दो और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, यहाँ कैडी कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगी, स्वाद आ जाएगा, तूने कहा। बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो, बाहर के हो, 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम लिखकर ऐसी छिछोरा पंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। टाइम कोड है 550 से लेकर 608, 851 से लेकर 905। अब इस वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट को ट्रिम कर दियो। अब अगली बात यह है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगाकर एक हुडी बेच रहा है, धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला रहा है। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि तू हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आचार्य प्रशांत बता चुके हैं, मैंने भी कई वीडियोस में बताया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइंस किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं नहीं कही गई है। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है
जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। या तो तू मुझे दिखा दे कि किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लाइंस लिखी गई हैं, या फिर इस हुडी को अपनी क्लोदिंग लाइन से हटा दे, नया डिजाइन करवा लियो जिसमें एक्चुअली में हिंदू स्क्रिप्चर्स की लाइनें लिखी हो अपने हुडी पर। अब मैंने भगवान राम के ऊपर वीडियोस बनाए तो तुझे करंट लग गया। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त हैं। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। ये जो तेरे दिल में नाथू राम गोडसे है ना, इसको बाहर निकालना है। तेरे दिल को शुद्ध करने की जरूरत है। इसमें उपनिषद की वसुदेव कुटुंबकम की हिंदू टीचिंग्स डाल। अब बातें तो और भी बहुत सी हैं करने की, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। खासकर तेरी मिसोजिनी के बारे में अभी ज्यादा बात करी नहीं है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई देख लो गाइस चुड़ैल। तो फिर एक वीडियो में कहता है कि लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देखकर तुम्हें मजा आ जाएगा, मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कम से कम आंटी से ही शर्मा लेता। कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही है? ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ सोक इन करने के लिए होगा तेरे लिए। तू ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क्स तेरे को देना चाहूंगा। ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलके समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपने ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा। फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की देश के यूथ की आवाज तू उठाए। ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। ये सारी घटिया एप्स देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही है। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स ला के दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोज है तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरा पंती करने वाली वीडियोज और हनुमान चालीसे का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियोस से, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया है उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं, वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिचोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7th की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज कर ले। भाई खुद क्या दिखा रहे हो, तुम खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो। तुम गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां देनी कम कर दी हैं। जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया था उसमें एक भी गाली नहीं थी, बहुत ही अच्छी बात है, गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बंद कर दो। वो 295 गाने में एक लाइन है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं, ये अकल उन्हें थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन तुझे थोड़ी अकल आ गई है इस मामले में, इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। नंबर 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है, अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति में। और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज, बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे, पोषम पा भाई पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था, तो रियल लाइफ में पोषंपा क्यों खेल रहा है, कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इंजाम, इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर, नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी, एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया थैंकफुली शुक्र, किसी ना किसी दिन ये पोषम पा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा,
इसलिए कह रहा हूँ सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूँ ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भराओ काउंटर से तो मुझे बता दियो। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये काउंटर इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा। उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। तब तक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है यूट्यूब को अपना करियर बनाने में तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड है Elvish420। और रिलीजन वाले एस्पेक्ट के ऊपर एक और जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था वो ये है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। रिसर्च्ड बाय विजेता दहिया जी। ओके हाँ, फाइनली खत्म हो गया वीडियो। एंड जहाँ पे बात करूँ मैं, अगर इनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, ध्रुव राठी भाई, अपने जैसे यूट्यूबर्स जो कि आपके जैसे सेम कंटेंट बनाते हैं, सेम जॉनर से कंटेंट बनाते हैं, सेम नीश से कंटेंट बनाते हैं, उनका काउंटर करके दिखाइए, तब फिर मानेंगे भाई। एल्विश यादव जो है वो एक मतलब उस टाइप का यूट्यूबर है ना, वो एंटरटेनिंग कंटेंट बनाने के लिए उन्होंने कई सारे एंटरटेनिंग वीडियोस बनाए हैं, जहाँ पे इन्होंने बोला है लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर, ये करना वो करना बंद कर। तो भाई एंटरटेनिंग कंटेंट, रोस्ट कंटेंट, वो वायरल ही रोस्ट से हुआ था, वो चीज़ मतलब आड़े आ रही है कहीं ना कहीं। ये जो है ध्रुव राठी जो है उस तरफ, उस दिशा में चीज़ों को मोड़ के ब्रेन वॉश करना है, कैसे भी अपने पब्लिक को ये बताना है दैट कि मेरे खिलाफ़ जो वीडियो बना रहा है, पहले उसका चरित्र तो देखिए, मेरे से कंपेयर करिए कि मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ, मैं कैसे चीज़ों को प्रमोट करता हूँ एंड वो कैसे चीज़ों को कर रहा है। सो ये एक इनका एक हथियार था जो कि इन्होंने यूज़ करा। इसके अलावा इन्होंने जो आम आदमी पार्टी के बारे में अपने पैशन से बताया कि मैं पैशन से काम कर रहा था, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इसका प्रूफ क्यों नहीं दिखाया कि मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे। देख लो, इस वीडियो को देखने का मेन पॉइंट यही था कि वो आम आदमी पार्टी का जो कनेक्शन है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। तो जब उनके खिलाफ इतनी सारी लोगों ने सबूत ला के खड़ी कर दी, तब उन्होंने जाके एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई, हम आम आदमी पार्टी के लिए काम किए हैं, अपने पैशन से किए हैं, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे या किसी ने मुझे मजबूर नहीं करा था दैट कि आपको काम करना पड़ेगा। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे पैशन था कि मैं आऊँ। एंड एक लोग ने कमेंट कर दिया था कि अगर इतना ही सच्चे हो तो भाई पॉलिटिक्स में आके क्यों नहीं बात करते हो, तो वहां पे मैंने सोचा कि हाँ, अब मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। तो अभी भी अगर कोई ऐसी पार्टी आती है तो मैं उनको भी सपोर्ट करूंगा। तो लिटरली साफ साफ देख ही रहा है आप आम आदमी को कितना सपोर्ट करते हो। एंड जहां पे जो है इन्होंने कहा कि आम आदमी का परिवार क्यों नहीं मैं अपने ट्विटर पे लिख लेता हूं, कि यहां पे लिख लेता हूं, क्योंकि आप स्मार्ट हो यार, आप छुप के चीजों को करना चाहते हो, तो यहां पे ये चीज तो जग जाहिर है कि आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने अच्छे ब्रेन वॉशिंग में, वाइट वॉशिंग में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करने में, चीज़ों को सामने वाले को बुरा साबित करने में आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये सबको पता है। जैसे कि इंजीनियर रिवील जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनके जैसे ही कंटेंट बनाते हैं, तो मैं एक बार चाहूँगी कि यार ध्रुव राठी इंजीनियर रिवील्स के वीडियो को काउंटर करके एक बार दिखाए या फिर उनके साथ एक डिबेट करे। एंड मैं सुनना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर ध्रुव राठी का क्या, या फिर ध्रुव राठी के फॉलोअर्स का क्या कहना है कि इंजीनियर रिवील जो है वीडियो जो बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा यू नो सिमिलर कॉन्टेंट है उनका, सिमिलर नीश है उनका, सो उनके साथ डिबेट होना चाहिए या नहीं, या फिर उनके वीडियोज़ पे जो रिप्लाई होना चाहिए या नहीं, ये ज़रूर से कॉमेंट करके बताना। क्योंकि यार वो सबूत के साथ, प्रूफ के साथ मंदार, हर्ष मंदार एंड जॉर्ज सोरस एंड जो भी इन्होंने आदिल अमन एंड ऑल दैट जो भी बताया था, उन सारे बातों का उन्होंने काउंटर कर दिया है अपने एक वीडियो में, जो कि मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग जाके ज़रूर से देख सकते हो। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये डिसअपॉइंटमेंट लगा जहाँ पे ये इस तरह की बातें करके किसी तरह से हाइड करने का कोशिश किया कि फैक्ट जो है वो हाइड हो जाए, लेकिन भाई लोगों ने पकड़ लिया है ना पार्ट्स, जो भी उन्होंने जॉर्ज सोरस का चरण वंदना किया, हर्ष मंदार की चरण वंदना की, या फिर उन्होंने आदिल अमन को डिफेंड किया, जहाँ पे उन्होंने इस बार तो उन्होंने महराज को भी डिफेंड किया, जो भी उन्होंने बोला दैट कि DW के लिए काम करते थे ये वो हैन तैन फलान टिकान जो भी बोला इन्होंने, तो कहीं ना कहीं यार ये ही चीज़ निकल के आती है कि इनका जो प्रोपोगंडा है वो बहुत बड़ा है, इनका जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। इनका मकसद सिर्फ लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना या छोटी मोटी एंटरटेनमेंट बनाना या छोटी चीज़ों में इनका जो है वो नहीं होता है, इनको जो है वो बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए, इनको देश की सत्ता चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया को मैनिपुलेट करने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने एक चीज़ में मैनिपुलेशन, एक बहुत तगड़ी वाली मुझे एक लाइन लगी है इनकी, जो कि इन्होंने बोला कि 80% लोग जो है वो इंडियंस है मेरे चैनल पे, एंड इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल भी बहुत सारे नाम लिखे हुए, तो उसमें बोला कि एंड और भी लोग हैं जो कि दूसरे कंट्री में रहते लेकिन इंडियंस ही है।
वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन लगा कि भाई दूसरे कंट्री के लोग, मतलब दूसरे कंट्री में हम लोग ऐसे बोलते हैं यार, हाँ नेपाल के लोग भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं, बांग्लादेश के लोग भी देख रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, वो भी इंडियंस ही है, लेकिन वो मतलब वहाँ जाके रहते हैं तो वो भी इंडियंस हैं। तो वाओ नाइस, अच्छे थे, वीडियो काफ़ी अच्छी बनाई थी एंड काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन था। मार्क्स को सही ढंग से अगर कोई रखे या समझे ना, ध्रुव राठी का जो एजेंडा है ना वो साफ साफ समझ में आ जाता है। बाकी आप लोग के हाथ में है, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसको नहीं सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ ये वीडियो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया वीडियो में, जिस तरह की फैक्ट वगैरह बताए, जिस तरह मैनिपुलेशन किया ध्रुव राठी ने, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया। सो देखते हैं इसके बारे में एलविश यादव क्या वीडियो लेके आते हैं या फिर नहीं लाते हैं, क्योंकि इंजीनियर रिवील का वीडियो जो है वो आ चुका है, पार्ट वन का जो है उन्होंने एनकाउंटर किया है अपने वीडियो के अंदर, वो चीज़ पे मैंने रिएक्शन ऑलरेडी कर दिया है एंड वो वीडियो जल्दी ही आएगी, वो वीडियो मेरे चैनल पे जल्दी जल्दी ही मैं पोस्ट करूंगी। सो या ये वीडियो यहीं तक, आई होप कि आपने एंजॉय करा होगा मेरा रिएक्शन, अगर अच्छा लगा होगा, मेरे कमेंट अच्छे लगे होंगे कि भाई हाँ ये बात इसने सही कही है, तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना मुझे कि भाई आपको ये चीज़ गलत लगी, ये चीज़ सही लगी, जो भी रहेगा आप कमेंट ज़रूर से करना, वीडियो शेयर करना, अपने दोस्तों को दिखाना कि भाई ये लड़की जो है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है ध्रुव राठी के बातों से, एंड इसको इन्फ्लुएंस करो यार, कैसे ना कैसे करके इसको इन्फ्लुएंस, भाई ज़रूर से कमेंट करना, शायद हो सकता है आपके कमेंट पढ़ के मैं इन्फ्लुएंस हो जाऊं। तो चलिए मैं इस वीडियो को एंड करूंगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट रिएक्शन।